ये डाल लेंगे। ये बड़े मुश्किल से गया, अल्लाह शुक्र गिर नहीं गया। चलो भाई गर्म करते हैं, फिर खाते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। सुबह का टाइम है, आज मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बुखार भी है, तो मैं घर पे ही हूँ। हाँ बेटा, हाँ बेटा, क्या हुआ है? मेरा बेटा क्या कह रहा है? मेरा बेटा भी आज मेरे साथ है, तो ये आज काफ़ी खुश है कि इसके डैडी आज घर पर है सुबह सुबह भी, क्योंकि मैं डेली सुबह जाता हूँ जॉब पे, तो तकरीबन 2 बजे वापस आता हूँ। तो आज अपने दादा के साथ होता, दादू के साथ होता है, उसकी इसकी अम्मा भी टीचिंग करती हैं, तो वो भी जाती हैं टीचिंग के लिए। तो आज बड़ा खुश। हाँ जी, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कह रहा हूँ मेरा बेटा, क्या कह रहा आज? क्या ओके, ना ना ना, मम खाएगा, मम्मा खाएगा, ओके बाय बाय बोलो, बाय बाय टाटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बोलो उनको, बोलो टाटा बाय बाय बोलो। ओके ना, ओके ना ना, इसको भी गंजा करवाया हुआ है, तो इसकी सेहत ठीक हो जाए। इधर गाड़ी की भी बुरी हालत हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसकी सफाई वगैरह भी नहीं करवाई हमने, तो इसकी सफाई भी करते हैं और कोई जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक तो हम कहीं जा नहीं सकते, तो अभी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। छत पे चले जाते हैं, छत पे मेरा एक छोटा सा काम है, मैंने पानी डालना है परिंदों के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने कोई पानी नहीं डाला उनके लिए, तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया होगा। पड़ा तो है अभी इसमें, लेकिन ये काफ़ी गंदा हो चुका है, इसको गिरा के नया पानी डाल लेते हैं। तो बड़ा भारी है, अब इसको इधर रखें कि उधर रखें, आपके ख्याल में कौन जगह बेस्ट रहेगी? मेरे ख्याल में आज इधर रख देते हैं, इधर ऊपर उनको परिंदों वगैरह को नज़र काफ़ी अच्छे से आ रहा होगा। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि घर की कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा बेहतर ये रहेगा। अच्छा, ये बता मैं इसलिए रहा हूँ कि ऐसे छोटे मोटे काम आप लोग भी कर लिया करें, अपने घर की छत पे पानी या छोटा सा खाने पीने का इंतज़ाम ऊपर रख लिया करें, क्योंकि गर्मी में परिंदे वगैरह को काफ़ी ज़्यादा प्यास लग जाती है, तो यार ये सवाब थोड़ी बहुत आप भी कमा लिया करें, ये आपकी आखरत कम से कम सवार देगी। तो अच्छी चीज़ों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, ना कि लोग अक्सर नेगेटिव से सोचना शुरू कर देते हैं कि वीडियो में क्यों दिखा रहे हो, ये क्यों दिखा रहे हो। तो मैं जस्ट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि बाकी लोग भी ये काम करें। अभी मुझे ज़ोरों की भूख लग रही है, तो नाश्ते में भी पराठा बन रहा है और साथ में मैं खाऊंगा ये सालन, तो इसको बस गर्म करते हैं और उसके बाद खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो इस बर्तन को इसमें डाल लेंगे और ये डाल लेंगे। ये बड़े मुश्किल से गया, अल्लाह शुक्र गिर नहीं गया। चलो भाई गर्म करते हैं, फिर खाते हैं। खाना मैंने आ चुका है, तो खाने में पराठा है और साथ में सालन है, तो बस बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो ये खाता हूँ और उसके बाद आराम करता हूँ, क्योंकि जिसम मेरा काफ़ी गर्म हो चुका है, तो अभी टैबलेट भी खानी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।